नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे, डिटेल में तो हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, बट जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि आप लोगों को एक रिवीजन में हेल्प मिल सके और आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो कुछ एक क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये काम की बात नहीं है कि ये कौन सा पेपर है, क्योंकि आपको पता है पेपर कोई भी हो रिपीट क्वेश्चंस हो जाते हैं। देखिए अगर आपका कोई भी पेपर है तो उसके लिए हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चंस अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। तो किस राज्य को बुद्ध का पालना कहा जाता है, बुद्ध का पालना किसे कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, आपको सिर्फ ऑप्शन ए बी सी डी करके ही आंसर के आंसर जो है वो कमेंट में लिखने हैं। अभी जो है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बिहार इसका सही आंसर होगा। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन बी बताया था उन सभी का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, व्हेन वाज पंचतंत्र रिटन। ये कौन से काल में लिखी गई थी, कौन से पीरियड में लिखी गई थी। तो ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये याद रखिएगा कि विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र किताब लिखी और गुप्ता पीरियड में लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 123 है, टू विच डेंसिटी डिड अशोका बिलोंग। तो अशोक जो थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे, अशोक जो था वो कौन से, ऑप्शन बी मौर्य वंश जो है वो सही आंसर है, मौर्य वंश से ये संबंध रखते थे। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम। ये जो इक्ता प्रणाली थी इस प्रणाली को किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इक्ता प्रणाली को जो था वो ऑप्शन सी सही आंसर है, अल्तुतमिश के द्वारा जो था इंट्रोड्यूस किया गया था इक्ता प्रणाली को। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया फॉर ट्रेड। तो भारत में व्यापार के लिए आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, भारत में व्यापार के लिए आने वाले जो पहले यूरोपीय थे वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए सही आंसर है, पोर्टुगीज, पुर्तगाली जो है पहले यूरोपीय थे जो व्यापार के लिए भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड बाबर डाई। तो बाबर की मृत्यु जो थी वो कहाँ पर हुई थी। देखो बाबर की मृत्यु जो थी वो आगरा में हुई थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, परमानेंट सेटलमेंट वॉज फीचर ऑफ। तो स्थायी निवास जो था वो किसका लक्षण था। देखो स्थायी निवास जो था वो लक्षण था जमींदारी सिस्टम का, जमींदारी प्रणाली का, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जमींदारी प्रणाली जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 द ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय। ब्रह्मो समाज की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी। देखो ब्रह्मो समाज की स्थापना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या दयानंद सरस्वती ने की थी। तो बिल्कुल भी सही आंसर यहाँ पर जो है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने भी नहीं ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। आखिरकार किसने जो था वो ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ, 1828 के अराउंड जो था इसकी स्थापना हुई थी। अब नाम आप बता दीजिए कि किसने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, 129 है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम। तो इंडियन पॉलिटी जो है भारतीय राजतंत्र जो है इसमें उच्चतम किसे माना जाता है। इंडियन की जो पॉलिटिक्स है इसमें द कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा है वही सब कुछ माना जाता है। तो ऑप्शन बी द कॉन्स्टिट्यूशन इज जो है वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है, पैरामाउंट पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 130 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम। कौन इनमें से कौन सा निजी स्वतंत्रता का बचाव है। तो निजी स्वतंत्रता का जो बचाव है वो कौन सा है। पहले मुझे बताइए कि रिट कितने प्रकार की होती हैं। आपको पता है 5 प्रकार की रिट होती हैं, तो ये रिट ही दी गई है, इनमें से कौन सी रिट है जिसको स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता का बचाव कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हैवियस कॉर्पस जो है वो सही आंसर है, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। तो पंचायती राज प्रणाली जो है वो भारत में किसने लागू की थी, या फिर किसके तहत जो था वो लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत, ऑप्शन सी। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद पंचायती राज सिस्टम। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है पंचायती राज का जो डील करती है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, प्रेजिडेंस ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो कब तक जो है वो कितने समय तक लागू रहता है। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 6 महीनों तक जो है वो अस्तित्व में रहता है या फिर लागू रहता है। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, हु इज़ नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले लॉ ऑफिसर जो है वो किसको कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर जो है वो कहा जाता है
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक इज ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म। निम्न में से कौन सी जो है रॉक अपसादी शैल जो है वो कार्बनिक मूल है। तो इनमें से 134 का ऑप्शन बी लाइमस्टोन जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सेंट लॉरेंस। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है, या फिर कौन सा शहर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन सी सही आंसर है, मॉन्ट्रियल जो है वो सही आंसर होगा। मॉन्ट्रियल शहर जो है वो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड अफ्रीकन कंट्रीज। तो सबसे अधिक घनत्व वाली अफ्रीका का देश कौन सा है। देखो, अफ्रीका का ऐसा देश जिसमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा घनत्व है वो है युगांडा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, 137 में कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रेड रिवर डेल्टा। निम्न में से किस देश में लाल नदी डेल्टा है। रेड रिवर डेल्टा जो है वो कौन सी कंट्री में है, ये वियतनाम में स्थित है। ऑप्शन डी वियतनाम जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, हॉर्टिकल्चर इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द। तो बागवानी किस क्षेत्र में बहुत ही प्रसारित। बागवानी जो है वो मेडिटेरियन रीजन में जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है या फिर प्रसारित है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, यहाँ पर द वाटर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। निम्न में से किस झील का पानी नमक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नमक बनाने के लिए जो पानी यूज किया जाता है वो किया जाता है सांभर झील का। ये सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी सांभर झील जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ईस्ट वर्ड लोकेटेड सिटी। तो निम्न में से कौन सा शहर बहुत ही पूर्वी दिशा में है। तो जो ईस्टर्न मोस्ट जो सिटी है इनमें से वो है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 140 का ऑप्शन सी लखनऊ जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, वैलीकोंडा हिल्स इज सिचुएटेड इन। तो जो वैलीकोंडा हिल है, वैलीकोंडा पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141 का जो है वो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश जो है वो सही आंसर है। आंध्र प्रदेश में स्थित है वैलीकोंडा पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो इंडिया में जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो कौन सा है, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, सेंसस 2011 कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। तो कितने डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर करता है 2011 की जो जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन डी सही आंसर है, 640 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है ये कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए ज़्यादा अनुकूल है। वो कपास की खेती के लिए जो मृदा ज़्यादा अनुकूल है वो है ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सी पोर्ट। तो इनमें से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है। समुद्री बंदरगाह जो नहीं है वो है डायमंड हार्बर पोर्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, डायमंड हार्बर। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, अंडर विच 5 ईयर प्लान वॉज प्राइवेट सेक्टर गिवन प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर फॉर फर्स्ट टाइम। कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जहाँ पर पहली बार गैर सरकारी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्राथमिकता जो था वो दी गई थी। तो ये दी गई थी 7th 5-year प्लान में। ऑप्शन बी 146 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, द फाइनेंशियल ईयर ऑफ RBI इज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वित्तीय वर्ष है वो कौन सा है। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई टू जून माना जाता है। 147 का ऑप्शन डी सही आंसर है। 148 में कहा गया कि जो 1 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं। देखो, अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो 1 रुपए का जो नोट होता है और बाकी आपके जितने भी नोट होंगे 10, 50, 20, 100, 500, 2000, इनके ऊपर अलग हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपए का नोट जो है इसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं सेक्रेटरी फाइनेंस के। ऑप्शन ए सही आंसर है। और बाकी के जो आपके नोट होते हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं द गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, SIDO इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो SIDO जो है वो किसके विकास से संबंधित है। तो ये जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज के विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 है, विच मिरर प्रोड्यूसेस मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा दर्पण वस्तु की आवर्तित और
उद्भव प्रतिबिंब देता है, तो ऐसा कौन सा मिरर है? ऐसा है कनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, विच डिवाइस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो कौन सा साधन ऐसा है जो प्रेरण के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? तो क्वेश्चन नंबर 151 का ऑप्शन बी, ट्रांसफॉर्मर जो है वो वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज, तो इनमें से कार्बन की प्योर फॉर्म जो है वो कौन सी मानी जाती है? तो कार्बन की जो प्योर फॉर्म है, शुद्ध स्वरूप है कार्बन का, वो माना जाता है डायमंड को। 152 का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाई अ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड फ्रॉम द, तो नवजात शिशु का लिंग किसके वंशानुगत जो है वो रंग सूत्रों के आधार पर किया जाता है? तो ये किसके ऊपर किया जाता है? तो 153 का ऑप्शन बी फादर जो है वो सही आंसर होगा। 154 है, द विटामिन विच इज जनरली एक्सर्टेड बाई ह्यूमन इन यूरिनस, मानव द्वारा सामान्य रूप से मूत्र में उत्सर्जित किया गया विटामिन है। तो मानव द्वारा जो सामान्य रूप से मूत्र में विसर्जित किया गया विटामिन है वो है विटामिन सी। 154 का ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन है तो एकदम से तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का है तो ये भी काम का नहीं है, डायरेक्टली एचपी जीके के ऊपर चलते हैं। 161 देखिए, मझधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? जो मझधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सोलन में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश, तो इनमें से कौन सी ऐसी विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी पर जो स्थित नहीं है वो है होली प्रोजेक्ट। ये होली प्रोजेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में दो नदियाँ बहती हैं, रावी नदी बहती है और दूसरी चेनाब नदी बहती है। ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि होली प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है। आसान क्वेश्चन है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, द फेमस छत्राड़ी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध छत्राड़ी मंदिर स्थित है? ये छत्राड़ी टेम्पल है प्रसिद्ध, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, चंबा में, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 164 है, लमन सॉन्ग इज पॉपुलर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लमन सॉन्ग, लमन गाना जो है वो प्रसिद्ध है? 164 का ऑप्शन है कुल्लू जो है वो सही आंसर है, कुल्लू में स्थित है ये लमन गाना। अब इंग्लिश का सेक्शन है आपके पास, 165 में आर्काइक वर्ड का सिमिलर मीनिंग पूछा गया है, ये डिराइव किया गया है आर्कियोलॉजी से, तो आर्कियोलॉजी मतलब बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 166 में देखिए, आप जो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नियरली 60 ईयर्स हैव गॉन बाय डैश गांधी जी पास्ड अवे, तो नियरली 60 ईयर्स हैव गॉन बाय, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन डी सिंस होगा, सिंस गांधी जी पास्ड अवे। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, मीनिंग ऑफ इडियम टू ड्रॉ अ बेड डाउन, तो इस इडियम का क्या मतलब है टू ड्रॉ अ बेड डाउन? तो 167 का ऑप्शन डी, टू टेक केयरफुल एम एट जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, जो आगे की बात सोचता है उसके लिए सही शब्द, जो आगे की बात सोचता है उसके लिए सही शब्द जो होगा वो होगा अगर सोची, कौन सा सही है? ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में ये अव्ययीभाव समास होगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। इनमें से शुद्ध शब्द आपको सेलेक्ट करना है, तो शून्य किस तरह से लिखा जाता है, तो शून्य को जो है वो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं जो है वो सही आंसर होगा। इसी तरह से आपके लिए, आपको लगता है कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो अगला सेशन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखो इससे पहले कि आप स्विच करें, आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो स्विच करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।